हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आई जाने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद हो रहे कम नंबरों वाले आवेदकों ने सरकार से अपील की है। नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ भी जाते हैं तथा कम भी हो जाते हैं। जिनके नंबर बढ़ गए उनके लिए तो अच्छी बात है, वो पास हो जाएंगे। लेकिन जिनके नंबर घट रहे हैं उन्होंने CM कमलनाथ से अपील की है कि पुरानी पद्धति 2011 में जो लागू हुई थी नॉर्मलाइजेशन की, उसी को इस बार भी लागू करके हमें पास करिएगा। जानते हैं नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है और यह कैसे होता है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वेबसाइट में नॉर्मलाइजेशन का जो गणितीय फार्मूला दिया है उससे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको पूरी सरल तरीके से समझाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज आपके काम की खबर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। CM कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। निवेदन कर लेख है कि मैंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में विषय सामाजिक विज्ञान से दिया था। परीक्षा उपरांत मुझे 91.48 अंक प्राप्त हुए थे, परंतु नॉर्मलाइजेशन में मेरे अंक घटकर 89.92 अंक हो गए हैं, जिससे मैं परीक्षा में अपात्र घोषित की गई। लेकिन कुछ आवेदकों के नंबर बढ़ गए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, उनके लिए तो अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे आवेदक हैं जिनके नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद घट गए हैं, उन्होंने सरकार से अपील की है। पात्र होने के लिए अगर 0.08 अंक बढ़ाए जाते हैं तो मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है। चूंकि मैं विगत 5 वर्षों से अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर रही हूं, साथ ही मेरी अन्य योग्यताएं भी पूर्ण हैं। निवेदन है कि आपके द्वारा वर्ष 2011 की परीक्षा में जो अंक 0.5 अंक या इससे कम में अनुत्तीर्ण घोषित हुए थे उन्हें उत्तीर्ण किया गया था। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011 की भांति मुझे 0.08 अंक देकर पात्र घोषित करने की कृपा करें। योग्य विनय सेवार्पित है। मतलब ये अपील है, जिनके अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद घट गए हैं उन सभी आवेदकों की। इस प्रकार से हजारों आवेदक ने अपील की है सरकार से कि 2011 की जो पद्धति थी नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक बढ़ाने की, उसी को लागू कर उसे अमल में लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हो सके। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? यदि कोई ऑनलाइन परीक्षा कई दिनों में होती है तो उसमें हर दिन अलग अलग पेपर आता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में उम्मीदवारों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हमारी पाली में जो पेपर आया था वह कठिन था और दूसरी पाली में वही पेपर सरल था। बस इसी शिकायत को आधार बनाकर नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई। अच्छी बात भी है, मतलब कभी कभी एक ही सब्जेक्ट का पेपर एक शिफ्ट में सरल आ जाता है और दूसरी शिफ्ट में कठिन आ जाता है, तो आवेदकों को इससे दिक्कत होती है और जो आवेदक पास होने वाला था वह फेल हो जाता है। इसी के विरोध में यह पद्धति लाई गई है और बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन इसमें नंबर घट भी जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जाती है उसको देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन की मीनिंग हिंदी में होती है सामान्यीकरण। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन पद्धति में? नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। इसके आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था तो अनुमान लगा लिया गया कि इस पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। जबकि दूसरे दिन उसी सब्जेक्ट का पेपर बहुत सरल था तो इसका उल्टा कर दिया गया, 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह पद्धति है। अब हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं सरल तरीके से। शिफ्ट एक में उम्मीदवार के 60, 50, 45, 65 और 55 अंक प्राप्त हुए। शिफ्ट दो में उसी पेपर के 100, 80, 70, 90 और 85 अंक प्राप्त हुए। फिर उसी पेपर के तीसरी शिफ्ट में 90, 95, 60, 75 और 80 अंक प्राप्त हुए। पहली शिफ्ट के नंबरों के हमने माध्य निकाल लिया। माध्य निकालने का मतलब है इन सबको जोड़ दो और जितने अंक होते हैं उनका भाग दे दो, मतलब 60+50+45+65+55 इनको सबको जोड़ दिए और भाग दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5 का भाग दे दिए तो इसका मेन निकल जाएगा। उसी प्रकार से शिफ्ट दो में भी हमको सभी को जोड़ना है, 100+80+70+90+85 इनको सबको जोड़ दिए और फिर कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, 5 का भाग दे दिए तो इसका माध्य निकल जाएगा।
फिर शिफ्ट थ्री में भी इसी प्रकार से किए। इस प्रकार से हमने माध्य निकाला तो पहली शिफ्ट का जो माध्य था 55 हुआ और दूसरी शिफ्ट का माध्य था वह 85 हुआ। इस प्रकार शिफ्ट एक और शिफ्ट दो के माध्य के बीच अंतर जो है 30 का है, मतलब 85 में से हम 55 घटाएंगे तो कितना बचता है 30, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस है 30 का। अब हम क्या करेंगे, इस 30 को जिसमें नंबर कम आए हैं उनमें जोड़ देते हैं। तो पहले शिफ्ट में कम आए नंबर उनका माध्य के हिसाब से पहले वाले उम्मीदवारों के इसमें जोड़ देंगे हम 60, 50, 45, 65, 55, इन सभी में 30-30 जोड़ते जाएंगे। 60+30 90 हो गया, 50+30 80 हो गया, 45+30 75 और 65+30 95 और 55+30 85, जो अब शिफ्ट दो के अंकों के बराबर हो गए, बिल्कुल हो गए। शिफ्ट एक और दो दोनों के अंक बराबर हो गए ना। उसी प्रकार हम दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के अंकों का नॉर्मलाइजेशन करते हैं, मतलब दोनों का हम माध्य निकालेंगे। तो दूसरी शिफ्ट का माध्य हमारा आया था 85 और तीसरी शिफ्ट का माध्य हमारा आया है 80। अब इन दोनों माध्यों को आपस में घटाएंगे तो डिस्टेंस आता है 5। अब इस 5 को कम अंक वालों में से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने यह जो डिफरेंस आया था उसको तीसरी शिफ्ट के अंक में जोड़ दिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं शिफ्ट दो और शिफ्ट तीन के अंक बराबर हो गए। तो हमारे अनुसार यह नॉर्मलाइजेशन अर्थात सामान्यीकरण को समझने का सबसे आसान तरीका है। इस विधि को माध्य विधि कहा जाता है। हम किसी विशेष शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों के अंकों का माध्य ले सकते हैं और अन्य शिफ्टों के उम्मीदवारों के अंकों के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। इसमें फिर हम माध्य के अंतरों को सबसे कम शिफ्ट वाले अंक में जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जिसके यदि कम नंबर आए हैं तो उसके बढ़ जाते हैं और जिसके अधिक नंबर आए हैं तो कम हो जाते हैं। यही पद्धति है। आवेदकों को ऐसा न लगे कि हमारे शिफ्ट में कठिन पेपर आया था और दूसरी शिफ्ट में ये न लगे कि हमारे शिफ्ट में सरल पेपर आया था। इसी उलझन को समाप्त करने के लिए नॉर्मलाइजेशन पद्धति शुरू की है और इसमें आवेदकों के नंबर बढ़ जाते हैं और कहीं पर कम हो जाते हैं। अब जिनके नंबर कम हो गए हैं उन्होंने सरकार से अपील की है कि 2011 में जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति थी उसी को अमल करके अंकों को बढ़ाया जाए ताकि वे पास हो सकें और उनको ज्वाइनिंग मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।